मानसून से पहले की बारिश देश के कई हिस्सों में फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आईएमडी के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से इस साल प्री मानसून बारिश सामान्य से 22% कम दर्ज की गई है, जो कि कृषि के लिए चिंता का विषय है। देश के कई हिस्सों में कृषि के लिए महत्वपूर्ण समय मार्च से मई महीने तक मानसून से पहले हुई बारिश में 22% की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च से 15 मई तक 75.9 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से करीब 22% कम है। दरअसल मार्च से मई तक होने वाली सामान्य बारिश अनुमानित 96.8 मिलीमीटर तक होती है और मानसून से पहले की बारिश देश के कुछ हिस्सों में फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। ओडिशा में मानसून से पहले खेतों की जुताई की जाती है, जबकि देश के पूर्वोत्तर और पश्चिमी हिस्से में फसल रोपण के लिए ये समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। गन्ना कपास जैसी फसलों को बचाए रखने के लिए मानसून से पहले की बारिश काफी अहम होती है। आईएमडी के 4 क्षेत्रों में से दक्षिण भारत के सभी राज्यों वाले दक्षिणी प्रायद्वीप में मानसून से पहले की बारिश में 46% कमी हुई है। ये इलाका देश में सबसे कम बारिश वाला दर्ज किया गया है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में 36% कम बारिश दर्ज की गई है, वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 7% की कमी दर्ज की गई है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान और झारखंड दोनों राज्यों में अनुमान से काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अनुमान से 50% तक ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम, मेघालय में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले की बारिश में कमी दर्ज की गई है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इस साल बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।